अपराध जांच शाखा एवं एंटी नारकोटिक सेल तावड़ू की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। अपराध जांच शाखा एवं एंटी नारकोटिक सेल तावड़ू ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का किया पर्दाफाश। महामई में 3 क्विंटल 13 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से नशा तस्कर मोहम्मद अनवर खान निवासी गांव बड़सागर जिला कोरापुट उड़ीसा, संजीव कुमार शाह निवासी बिहार व उसका पार्टनर सुरेंद्र उर्फ सरपंच निवासी मोहनपुर महेंद्रगढ़ वो दो अन्य साथी ड्राइवर परवीन निवासी समालखा पानीपत व राहुल निवासी दिल्ली को भी किया गिरफ्तार। संजीव कुमार शाह निवासी बिहार हालाबाद निवासी गुरुग्राम से नशा तस्करी से अवैध संपत्ति के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति आधा किलो सोना, 1 किलो चांदी, 3 गाड़ियां व करीब 27 मोबाइल फोन बरामद। मोहम्मद अनवर खान अब तक करीब 5 साल से देश के कई राज्यों में बेच चुका है 200 क्विंटल गांजा। नशा तस्करी के तार जुड़े नक्सलवादी क्षेत्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश राज्यों से। नक्सलवादी क्षेत्र से 3 क्विंटल 13 किलोग्राम गांजा भरकर लाने वाले गांजा तस्कर सहित अब तक कुल 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े जाने के डर से कंटेनर गाड़ी में विशाखापट्टनम से काली रात के कट्टों के नीचे छुपाकर लाए थे 3 क्विंटल 13 किलोग्राम गांजा। श्री वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नुहू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अपराध जांच शाखा तावड़ू एवं एंटी नारकोटिक सेल तावड़ू टीम को गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 4 मई को अंसार पुत्र शहीद अहमद निवासी गांव गोलपुरी थाना सदर नुहू जिला नुहू व मोरमल पुत्र मेहराब गांव खिल्लू का थाना पहाड़ी जिला भरतपुर राजस्थान के कब्जे से कुल वजन 313 किलोग्राम व 100 ग्राम गांजा को कंटेनर सहित बरामद करके कब्जा पुलिस में लिया था, जिस संबंध में थाना फिरोजपुर झिरका में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिस संबंध में दिनांक 28 जुलाई को सुरेंद्र उर्फ सरपंच पुत्र सैडू राम निवासी मोहनपुर जिला महेंद्रगढ़ व आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग किए गए 2 मोबाइल फोन जियो डोगल बरामद किया गया। दिनांक 31 जुलाई को ड्राइवर आरोपी परवीन कुमार पुत्र साहब सिंह निवासी हल्दाना तहसील सामलखा थाना समालखा जिला पानीपत जो विशाखापट्टनम से कैंटर नंबर HR74A8269 में गांजा भरकर लाया था, जिसको गिरफ्तार किया गया। दिनांक 1 अगस्त को सुरेंद्र सिंह उर्फ सरपंच का पार्टनर संजीव कुमार शाह पुत्र लालू शाह निवासी उलाव चौक बेगूसराय थाना सिंगोल हाल मकान नंबर 155 गली नंबर 1 निहाल कॉलोनी गुरुग्राम से गिरफ्तार किए गए थे। जो आरोपी संजीव कुमार के कब्जे से एक सिप कार में गांजा बेचकर अवैध संपत्ति से बनाया हुआ करीब आधा किलो सोना जेवरात, करीब 1 किलो चांदी जेवरात व करीब 27 मोबाइल फोन जो अवैध गांजों के व्यापार में प्रयोग किए गए बरामद किए गए हैं तथा अवैध संपत्ति से खरीदी हुई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर व डस्टर बरामद की गई। आरोपी राहुल से वारदात में प्रयोग किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दिनांक 5 अगस्त को आरोपियां संजीव कुमार शाह व परवीन की पहचान पर से आरोपी मोहम्मद अनवर खान पुत्र मोहम्मद करीम खान निवासी बड़सागर जिला कोरापुट उड़ीसा को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग किए गए 2 मोबाइल फोन व 3 ATM कार्ड जिनको प्रयोग गांजा के रुपए खाते में डलवाकर रुपए निकालने में प्रयोग किए हुए बरामद किए हैं। उक्त मुकदमा हजा में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है जो मौका पर पकड़ी गई कैंटर गाड़ी में काली राख के कट्टों के नीचे 313 किलोग्राम गांजा छुपा कर लाए थे, जिसको बरामद किया गया। वे 3 गाड़ियां, करीब 27 मोबाइल फोन व करीब 27 लाख रुपए का सोना व चांदी के जेवरात बरामद किए जा चुके हैं। जो गाड़ी में विशाखापट्टनम से गांजा भरकर लाने वाले गांजा का व्यापार करने वाले सुरेंद्र व संजीव कुमार शाह व नक्सलवादी क्षेत्र से गांजा खरीदकर भरवाने वाला मोहम्मद अनवर खान को इंचार्ज अपराध जांच शाखा तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिंह व उनकी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नुहू वरुण सिंगला ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अब पुलिस का लगातार अभियान जारी है। नशा तस्करी का अवैध धंधा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों व किसी भी प्रकार के अपराध करने वालों की सूचना एंटी नारकोटिक सेल तावड़ू के मोबाइल नंबर 8930902297 व पुलिस अधीक्षक नुहू के मोबाइल नंबर 8930902220 पर दें। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा। जी बिल्कुल, एंटी नारकोटिक सेल जो नुहू में हमारी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उस टीम के द्वारा जो हमने मई माह में एक बड़ी बरामदगी की थी जिसमें हमने 313 किलो
जो है गांजा हमने रिकवर किया था एक कुएं से, उसमें उस वक्त पे दो आरोपी गिरफ्तार हुए थे और उनसे ये पता लगा था कि वो कहीं से वो छीन के उसको किसी और का जो ये तस्कर का सामान था उसको उन्होंने बीच रास्ते में छीन कर उसको लेकर आ रहे थे वो, तो हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे वो पकड़े गए थे। तो उसी सिलसिले में आगे कार्रवाई करते हुए उन दो के अलावा अब हमने 5 एक्यूज उसमें पिछले गत हमारे 10-12 दिनों में हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें हमारी शुरुआत हुई है जो इस इतना बड़ा जो हमारा गांजा था जिसकी जो मेन डिमांड जो सप्लायर है यहाँ पर नशा तस्कर वो सुरेंद्र नाम से था, जिसको गुड़गांव पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2274 किलो गांजा की बरामदगी हुई थी, उस मुकदमे में उसको गिरफ्तार किया गया था। तो हमारे पुलिस रिमांड पे आने के बाद जब हमने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो और लोगों के नाम खुलासे हुए, जिसमें उस ट्रक को उसके अन्य पार्टनर जो कि संजीव नाम से हैं उसकी गिरफ्तारी हुई। संजीव से अब हमें उसके जो गाड़ी को जो चलाने वाले ड्राइवर थे उनके नाम क्लियर हुए, जिसमें राहुल और प्रवीण नाम से व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद फिर इनसे हमें मालूम चला जो उड़ीसा में बैठा इनका जो सप्लायर है, जो काफ़ी बड़ा सप्लायर है अंतर्राज्यीय, उसके विषय में पता लगा, तो हमने वहाँ टीम भेजी और वहाँ रेड करके हमने मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार किया विशाखापट्टनम से और उसको 5 दिन के पुलिस रिमांड पर वहाँ ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पर लेके आए हैं और अब पूछताछ पूरी जारी है। के अंदर जो संजीव है उससे हमें 0.5 किलो सोना, 1 किलो चांदी, 3 गाड़ी और 27 फोन बरामद हुए हैं। और जो मोहम्मद अनवर हैं इससे हमें 2 फ़ोन और 3 ATM कार्ड बरामद हुए हैं। जो एक ड्राइवर राहुल है उससे हमें 1 फ़ोन बरामद हुआ है। तो इस प्रकार से इसके अंदर हम अभी तक कुल 7 एक्यूज्ड की गिरफ्तारी हो गई है और अन्य तफ्तीश जारी है और जो जितने पेंडिंग एक्यूज्ड उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। देखिए इसमें अभी तक जो एक आरोपी से हमने 27 फ़ोन बरामद किए हैं, एक आरोपी से हमने 2 फ़ोन किए हैं, एक से एक किया है, टोटल 30 फ़ोन और एक आरोपी से 2 फ़ोन बरामद हुए हैं। तो 32-33 फ़ोन इसमें जो हमें बरामद हुए हैं, ये फ़ोन का इस्तेमाल ये लोग ज़्यादातर आपस में बातचीत करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते थे और इन सभी की जाँच पड़ताल जारी है कि इनमें कितने सिम वगैरह इत्यादि यूज़ हुए हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। तो अभी जी बिल्कुल, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितने ज़्यादा गहराई में इसके जाकर और सारे इस नशा तस्करी के गिरोह को पर्दाफाश करेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता हरियाणा पुलिस को मिली है, जिसमें इतना बड़ा नशा तस्कर जो कि विशाखापट्टनम में बैठे सप्लाई कर रहा था और हैवी क्वांटिटीज़ में सप्लाई कर रहा था, जो उससे प्राथमिक जाँच हुई है उसके अंदर ही निकल के आया कि इसने पिछले 5 सालों में इसने 200 क्विंटल के करीब गांजा अनुमानित है कि ये तस्करी कर चुका है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये गांजा कहाँ कहाँ गया है, ये कह पाना मुश्किल है कि सारा हरियाणा आया है कहीं हो रहा है, तो ये इसके रूट्स अलग अलग हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति काफ़ी बड़ा तस्करी में लगा हुआ था और इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से नशा तस्करी पर रोक लगेगी। देखिए इनकी कीमत करीब करीब 35-40 लाख के आसपास हो जानी चाहिए और जो गाड़ियों की कीमत वो अलग से लगेगी। तो जो सामान बरामद हुआ सोना चांदी और फ़ोन इत्यादि, उनकी 35-40 के करीब लाख अनुमानित कॉस्ट है। उसके अलावा जो गाड़ियां हैं उनके विषय में भी देख रहे हैं कि उसने कहां से और कब खरीदी हैं, तो इन सभी को भी अलग से जब्त किया गया है और इनके ऊपर भी हम NDPS एक्ट के तहत जो ज़रूरी कार्रवाई है इस प्रॉपर्टी को जब्त करने की।